देवास जिले की खातेगांव तहसील में तय मानकों के अनुसार पेट्रोल ना देकर बड़ी भी कीमतों पर पेट्रोल दिया गया, जिसकी शिकायत क्षेत्रवासियों द्वारा खातेगांव पुलिस थाने में की गई है। जब इस विषय में हमारे प्रतिनिधि ने पेट्रोल पंप संचालक आनंद से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास रेट तो रात में आ जाते हैं कि कल क्या रेट में पेट्रोल बेचना है, पर सब सिस्टम ऑनलाइन होने के कारण कुछ तकनीकी खराबी के कारण हम रेट नहीं चढ़ा पाए। कभी कभी सर्वर डाउन होने के कारण रेट नहीं चढ़ पाते हैं। जब पूछा गया कि क्या रेट 12 बजे रात को फिक्स हो जाते हैं तो आप लोग रात को 12 बजे के बाद ही लागू कर देते हैं, तो कहा कि नहीं, हम सुबह 6 बजे रेट चढ़ाते हैं, पर आज सर्वर डाउन होने के कारण हम नहीं चढ़ा पाए, जिससे कुछ उपभोक्ताओं को समस्या का सामना करना पड़ा। खातेगांव से प्रवीण गंगराड़े की रिपोर्ट। तो हमें जो चलाएंगे तो रात को 12 बजे जब रेट कम होना था तो इन्होंने रेट कम नहीं किया। नहीं किया, आपका ये कहना है? बिल्कुल नहीं किया। अच्छा, आपने सुबह किस समय पेट्रोल डलाया था? 8:02 पे। अच्छा, उसके बाद आप रिटर्न कब आए? मतलब रिटर्न कब? में यहाँ आया 14:36 पे, ऐसा कुछ आया डबल दोबारा। फिर दोबारा मैंने 200 रुपये का पेट्रोल लिया, उसके तब, भी तब, तब रेट क्या था? तब रेट कुछ उतरे हुए थे 22 पैसे। ठीक है, आपका शुभ नाम बताएं? रामसुख बिश्नोई, ग्राम घोड़ीघाट। ठीक भैया, धन्यवाद। के पंप की कुछ शिकायत मिली है 22 पैसे कम रेट को लेकर। सुबह एक ग्राहक ने पेट्रोल डलाया था, उनको उस समय रेट और बाद में रेट में अंतर पाया गया, तो उन्होंने SDM कार्यालय तो पुलिस विभाग को शिकायत की, तो आपका क्या कहना होगा? कितने बजे की? सुबह 8:02 पे। क्योंकि क्या 6 बजे रेट चेंज होते हैं और मेरा फोन पूरा ऑटोमेशन वाला है तो ऑटोमेटिक रेट चेंज हो जाते हैं। कोई किसी तकनीकी खराबी के कारण या नेट नहीं चलने के कारण उस समय भाव नहीं बदला है। बाद में मैनेजर या उसने देखा होगा, अगर भाव नहीं बदला है तो फिर मैनुअल भाव बदलें। उसी बीच में ये आ गए होंगे, जो अटेंडर है उसने भी ये सोचा होगा कि यार भाव शायद नहीं बदले हैं तो सेम रेट ही हुए होंगे कल और आज के। पर रात्रि 12 बजे जब रेट चेंज होते हैं? नहीं, सुबह छः बजे रेट चेंज होते हैं। कि रात्रि 12 बजे होते हैं? नहीं, सुबह 6 बजे। कब से? तो साल भर ही होने आए। सुबह 6 बजे चेंज होते हैं, अभी 9:30 करीब।